सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रीशियन मोंट मास्टर चैनल को, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। मतलब कब से परेशान करने लगते हैं? हेलो, यहाँ देखो यल पॉइंट से सप्लाई कहाँ गए, इस पैरल स्प्रिंग में गया। यस सर। और वो सप्लाई कहाँ पे होते हुए आती है, इस पे वो इस कनेक्टिंग आर्म से होते हुए इस ऑपरेटिंग करवाते हैं सर, इस पे आती है। ठीक है, यहाँ पे आप वही सर में तो कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं है सर। जब ये इस पॉइंट पे आती है, मान लो ये इसको हम पहला पॉइंट मान लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 सप्लाई जो हमारा करंट होगा वो क्या यहाँ से होते हुए जाएगा। यस सर, इसमें रेजिस्टेंस काफी हाई होगी, फॉलो करना पड़ रहा है। यस सर। तो जब रेजिस्टेंस को ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा तो करंट क्या होगा, कम होगा। यस सर। ठीक है, अब फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे लाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी
कम हो जाएगा। यस सर, थ्री पॉइंट और रेजिस्टेंस कम होती चली जाएगी सर आगे। अब एक चीज देखो सर, यहाँ पे था पहले पॉइंट पे, तो यहाँ पे आर्मेचर में क्या होता, बहुत ज्यादा बहुत कम करंट आ रही थी। यस सर, बहुत कम करंट आएगी तो क्या आर्मेचर थोड़ा धीरे धीरे रोटेट करेगा। यस सर, तो यहाँ पे क्या होगा थोड़ा सा बैक ईएमएफ बनेगा सर। इस वाले पॉइंट पे आएगा तो फिर वो रोटेट करेगा, बैक ईएमएफ बहुत ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे से क्या होगा, हम एक बार आएंगे कि रेजिस्टेंस को डिसकनेक्ट कर देंगे और सप्लाई को क्या होगा डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। अब तक जाके मोटर में क्या होगा बैक ईएमएफ बन जाता है, बन जाता सर। जब 70 से जब स्पीड 60% स्पीड पे आता है तो क्या होता है यहाँ पे वो आके और हो जाता है, और ये क्लास आर्मी को क्या करता है ये मैग्नेट जो है अपनी रेटेड करंट स्पीड पे जो है सर जी अपने रेटेड स्पीड पे करंट पे रन करने लगती है। फिर वो जैसे क्या होता है जब 70-60% यहाँ पे एमीटर और वोल्टमीटर सब कुछ लगा होगा। यस सर, कितना वो करंट लेगा हमें मालूम हो रहा है। ठीक है, जब ये बैक ईएमएफ बन जाएगा तो वो जो करंट होगा वो क्या होगा कम लेने लगेगा, कम लेने लगेगा सर। यहाँ पे बैक ईएमएफ जीरो होता तो करंट डायरेक्ट स्टार्ट करेगा, अपने करंट बहुत ज्यादा लेगा, हाई लेता। तो डायरेक्ट करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं ये मेथड यूज करते हैं स्टार्टर का। ठीक है ना, ठीक है सर। तो अब थ्री पॉइंट स्टार्टर क्यों आया, ठीक है, फुल कंट्रोल करना होता है तो भी हम क्या करते हैं थ्री और फोर पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। तो थ्री पॉइंट में क्या होगा एक पॉइंट और आ जाएगा, ठीक है ना। यस सर, क्या होगा एक पॉइंट और आ जाएगा। मान लो ये हमारा सीरीज मोटर था, सीरीज मोटर के लिए हम टू पॉइंट भी यूज करते हैं। ठीक है सर, अभी जैसे मान लो ये हमारा सीरीज नहीं शंट मोटर है, तो शंट मोटर के लिए इसकी क्या फील्ड वाइंडिंग भी होगी, उसको हम क्या करेंगे इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे एफ से। ठीक है ना। यस सर, और एफ का कनेक्शन क्या होगा, एफ का कनेक्शन यहाँ पे एक और पॉइंट लगा होगा ओवरलोड पॉइंट, ओवरलोड पॉइंट से वो होकर जाएगा। यस सर, ठीक है ना। फोर पॉइंट स्टार्ट कर दो, अगर यहाँ पे मान लो टू पॉइंट होता तो शंट मोटर में हम ऐसे लगाते कनेक्शन। यस सर, टू पॉइंट होता तो हम ऐसे लगाते, अब यहाँ पे हम रिजिस्टेंस लगाते करंट कर लेंगे, वेरिएबल कर सकते हैं इसका भी, तो आर्मेचर का भी करंट तो कंट्रोल हो रहा है, हो रहा है सर। तो इसमें क्या टू पॉइंट स्टार्टर में हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाते थे। ठीक है सर, क्या किया यूज थ्री पॉइंट स्टार्टर का।